एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था, कोई भी काम नहीं करता था दोस्तों, एकदम निठल्ला और नाकारा था। बस वो हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए, कोई आराम करने का समय मिल जाए। एक दिन जब वो खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट्स का यानी कि फलों का बागीचा दिखता है। तब वो फल चुराने के बारे में सोचता है और बागीचे में दाखिल होता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वो इस आदमी को पेड़ पे चढ़ते हुए देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्ला के कहता है, नीचे आबे। लेकिन आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देख के डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक जो है अंदर जाके एक बड़ा सा डंडा लेके आता है। ये देख के आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले जंगल की तरफ भागने लगता है, जंगल में जाके छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसके सिर्फ दो पैर थे और दो पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगते हुए चल रही थी। ये देखने के बाद वो ये सोचता है कि लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, शिकार नहीं कर सकती, तो कैसे खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवर से बचाती होगी। वो आलसी आदमी सोच ही रहा था, तभी अचानक वहां पे शेर आ जाता है जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वो शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ देख रहा था। शेर को देख के बाकी जानवर भागने लगते हैं और अब वहां पे सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी रह जाती है और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देख के वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को लोमड़ी के आगे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी देख के हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देख के वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो जरूर मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान तो होगा ही। और तभी वो आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देख के उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोच के कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाने लेके जरूर आएगा। वो दो दिन तक वहां बैठ के इंतजार करता है लेकिन कोई भी उसके लिए खाने लेके नहीं आता है। आखिरकार जब भूख बर्दाश्त नहीं होती, वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वो आलसी आदमी कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो प्लीज। तभी बुजुर्ग आदमी उसे खाना और पानी देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने दो दिन पहले जो देखा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जंगल में कपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे शेर खुद गोश्त ला के दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान होगा ही, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई लेकिन मुझ पर नहीं दिखाई, मेरे लिए कोई भी खाने लेके नहीं आया और आखिरकार मुझे खुद ही खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने पूछा बुजुर्ग आदमी से कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई एक मकसद होता है, प्लान होता है, तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझा। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख मिलते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वो सिर्फ इंतजार कर रही कब उसके साथ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन वो आदमी ये भूल गया कि वो लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले ने तुम्हें वो एबिलिटी दी है अपना काम करने के लिए, सोच दी है, समझ दी है, हाथ पाँव दी है, तुम्हारे पास भी तुम्हारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है तुम्हारी सिचुएशन को बदलने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाएंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाए। और अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको कहानी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों, हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियोस और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। और हमारा चैनल अच्छा चल रहा है, नया है, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही हम बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाएंगे दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, इंस्टा की स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप की स्टेटस पे लगाइए, ताकि हर एक को ये कहानी मालूम पड़े और वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए।
और चतुर्थी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी में जो सबक से भरी होगी और आपको मोटिवेट करेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।